हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में मुलाकात की। सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के खटीमा के ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा से राहत व बचाव कार्यों के लिए पुलिस, आईटीबीपी व एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल, हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दल में सम्मिलित व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में मानदेय प्रस्तावित है। इस पर लगभग 5,45,00,000 रुपए का व्यय भार अनुमानित है। इसमें केंद्र सरकार का सहयोग निवेदित है। सीएम धामी ने राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनिकरण योजना में प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किए जाने का आग्रह किया। सीएम धामी ने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिए निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिए केंद्र से 25 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उक्त प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत किए जाने का भी अनुरोध किया। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।